तुम भी मेरी मुश्किल नहीं समझोगी ना। जुगनू का फोन आया था, कह रहा था दोस्त के घर जा रहा है और उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक शानी भाई मान नहीं जाते। प्लीज नादिया, बस कर दो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना तुम लोग। शानी, हम लोग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि अब्बा के जाने के बाद हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, और अगर तुम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचोगे तो फिर तुम हमें अपने नहीं लगोगे। तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कब फरार चाहा है? तो फिर क्यों भाग रहे हो आप? मान जाना जो शान से कह रही है, प्लीज। तुम भी यही सोच रही हो? शानजे क्या चाहती है ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं ये भूल गए सब। सजीला ने दिखा दी ना अपनी असलियत, रिश्ता तोड़ के चली गई ना वो, हम सब तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो क्या करूं मैं, बेच दूं अपने आप को क्या? शानी, वो लोग हमें वो इज्जत दे रहे हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, है क्या हमारे पास? फिर भी शानजे की अम्मा आई थी हमारे घर पे इल्तिजा करने के लिए। क्या वो यहाँ ही थी? हाँ, और वो कह के गई है कि अपनी बेटी की खुशियों के बदले में हमें इतना कुछ देंगी कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अजीब लोग हैं, समझते हैं अपने पैसे की बदौलत सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर वो लोग पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं तो तुम भी मोहब्बत और खुलूस से सब कुछ हासिल कर सकते हो। सब कुछ हासिल करने के लिए मुझे आप ये रास्ता ना ही दिखाएं तो बेहतर है। अम्मी, तुम्हारे हाल पे रहम करो शानी, तुम्हारी एक हाँ इस घर के हर मसले को हल कर देगी। जुगनू का मुस्तकबिल बन जाएगा, तुम्हारी बहन इज्जत और आन के साथ रुख्सत हो जाएगी, तुम भी किसी मकाम पर पहुंच जाओगे और मेरा बुढ़ापा ख्वार होने से बच जाएगा। चाहे उसके लिए मैं सारी जिंदगी ख्वार होता। लड़ती हो तुम, क्या चाहती हो कि जो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो किसी और को मोहब्बत के झांसे में फंसा के अपने काम निकलवाता रहे? ठीक है, सबकी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना है ना तुमने मुझे, करो, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। इज्जत से बाज आ गया तो बात करना। तो मेरी बात तो सुनो, तुम उसको कह रहे हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान है सजिला? तो ठीक है, मेरा नंबर निकाल के अपने फोन से बाहर फेंक दो, जैसे मैंने तुम्हारी अंगूठी अपने हाथ से निकाल के फेंक दी है। बाय। दिल
के हाथों मारे तेरे दर पे आए तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा गम हो जाए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आपके दिल में क्या है आपके पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं। मेरे दिल में जो भी है उसके जिम्मेदार या कसूरवार तुम नहीं हो। मैंने समझाया है अपने दिल को कि हम दोस्त हैं और हमारे दरमियान इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मत धोखा दें अपने आप को, और अगर आपने धोखा देने की कोशिश की भी ना तो मैं नहीं देने दूंगा इस बार। इसलिए कि आई एम नोवेयर इन योर लाइफ एनी मोर। और प्लीज अब की बार कोई इल्तिजा मत कीजिएगा, इसलिए कि मैं अब मानने वाला नहीं हूं। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो वापस आएगा, लौटेगा तुम्हारे पास, तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा। बस उसको थोड़ा सा वक्त दो। हेलो शानी। शानी मैं लम्हा लम्हा तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की वजह से कभी पैनिक नहीं करूंगी। तुम जैसा चाहोगे हमारी दोस्ती वैसी रहेगी। मैं तुमसे कभी कुछ डिमांड नहीं करूंगी। लेकिन आपकी मामा तो? उनकी टेंशन मत लो, मॉम और डैड तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। जब से देखा